अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पर फीस्टा, द ग्रेट फीस्टा वाटर पार्क। देख सकते हैं कितना ज्यादा रश हो रहा है यहाँ पर। हमने काउंटर से जो है ये टिकट बाय कर लिया है भाई ने सबके। अब हम जा रहे हैं अंदर के साइड लाइन बाय लाइन। हम सब जा रहे हैं, यहाँ पे फैमिली से आ रही है। अल्लाह हाफिज क्या, अभी तो हम आए हैं। अल्लाह हाफिज, ठीक है फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है, बल्कि अभी तो ज्यादा रश नहीं, ईद के बाद ज्यादा रश होता है। बकरा इतना नहीं आता। हेलो व्यूअर्स, चलो आ जाओ, थोड़ा सा लेट कर दिया सुबह, आ जाओ ठीक है। और 10 बजे इसकी ओपन हो जाता है फीस्टा वाटर पार्क। हम ये कार्ड देकर आ चुके हैं, अंदर एंटर हो चुके हैं। अब हम जाएंगे जल्दी से स्लाइड की तरफ, जल्दी जल्दी चलो। बाकी घर वाले भी आ रहे हैं अंदर एक एक करके। अब हम जाएंगे स्लाइड से, बहुत ज़्यादा देर चल कर जाना पड़ता है। देन उसके बाद स्विमिंग पूल, स्लाइड्स वगैरह आती है। पर फैमिली आ चुकी है, देन अब हम जा रहे हैं आगे स्लाइड्स की तरफ। ये कितना बड़ा हसीन पार्क बना हुआ है, बट यहाँ पर जो है अंदर जाना अलाउ नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने भी फिर भी छुप छुपा कर पिक्चर्स वीडियोज यहाँ पर बना ही ली, क्योंकि फिर आई मैं तो व्लॉगर और टिकटॉकर ही हूँ ना। आखिर जैसे तैसे करके मैं बना ही लेती हूँ छुप छुपा कर। वीडियो बनाने का टैलेंट तो मेरे में बहुत खूब है। हाँ, ज़्यादा रश है, जा रहे हैं हम, थोड़ा सा लेट हो गए। 10 बजे वाटर पार्क खुल जाता है, लेकिन हम आए हैं 11:30 बजे और अभी हमें इतना ज़्यादा लंबा चल के जाना है कि हमें आई थिंक 12 बज जाएंगे। देन फिर इवनिंग हो जाती है, इवनिंग में ब्रेक टाइम। हमारे साथ हमेशा का यही, हमारे घर वाले कभी भी जो है जल्दी निकल ही नहीं पाते, सो हम लेट हो ही जाते हैं। हम जितनी भी जल्दी कर लें हम लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि इन सब के हैं छोटे छोटे से बच्चे। और ये छोटे छोटे बच्चे वाले बोलते हैं, हम कोई छठ चांद थोड़ी है तुम्हारी तरह, तुम तो बस उठी तैयार हो उठ चली। इस वजह से हमें चलना पड़ता है लेट, सो बस इस वजह से। यह बना हुआ, हम हर दफ़ा आते हैं और यहाँ पर इंटर हो जाते हैं और फिर यहाँ से 1 घंटे से पहले कोई निकलता नहीं है। सो अभी हमने सोचा यहाँ पर कोई नहीं जाएगा, हम आते वक्त जो है इधर ये वाले झूले। सो हम जल्दी, लेकिन हमारे घर वाले हर जगह लेट कर देते ना, तो हमें पूरी पिकनिक का मज़ा आधा करना पड़ता है। तो बस इसलिए देख सकते, आज का मौसम थोड़ा बेहतर है। हम जब भी आएँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, लेकिन आज जो है मौसम बड़ा अच्छा है और हवा भी चल रही है, धूप भी नहीं है, तो चलता है आज। बस अच्छी पिकनिक इंजॉय हो जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर भी झूले लगे हुए। अच्छा भाई, ये बच्चा बोल रहा है आयशा मुझे लो व्लॉग में, मुझे लो। अच्छा भाई, आपको भी और किसी को आना है व्लॉग में? मेरी आनी कज़न जो आ सकते हैं वो सब बोलते हैं हमें भी लो व्लॉग में, हमें भी लो। देन इन सब की ख्वाहिश भी हम ले लेते हैं। फेमस हो गई यार। यस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फेमस। लेने के बाद अब ये जो शॉप नज़र आ रही है, यहाँ से हम खरीदेंगे बच्चों के लिए ट्यूब, खरीदेंगे पानी के लिए। बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर अगर कोई अपनी ट्यूब ले आता है उसमें हवा भर के भी दे देते हैं। और अभी तक हम यहाँ इंटर, यहाँ फीस्टा में इंटर हो गए, स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। अब बाय कर ली हैं। आप ही इसकी तो ट्यूब दिखाओ, इस छोटू की मैचिंग की ट्यूब भाई, डक वाली, डक वाली। अब हम अंदर इंटर हो रहे हैं, ट्यूब ले चुके हैं। चलो फाइनली इतना लंबा रास्ता काट के हम अंदर इंटर हो चुके हैं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड पे साउंड की आवाज़ आ रही होगी, वो वेव पूल में जो है सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, तो बस सॉन्ग्स की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ पे आवाज़ हो सकता है बंद भी कर दूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पोर्टर जो है हमें हाइट देगा, हट ढूंढ रहे हैं हम के स्लाइडिंग के करीब करीब ही मिल जाए, ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो हमें स्लाइड से वापस आते हुए अपने हट की तरफ, ज़्यादा दूर ना हो। लेकिन लोग अपने कैसे कपड़े सुखाए हुए लोगों ने गीले गीले, और लोग अपना ऐसे चादर में लपेट के हट में सामान चले जाते हैं, स्लीपर्स वगैरह सब यहाँ रखे हैं। अब हम अपना हट ढूँढ रहे हैं, हम अपने हट की तरफ जा रहे हैं। चलो फाइनली हम पहुँच गए, देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश हो रहा है। अब हम अंदर के साइड जाएंगे। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पूल ये है, जिसमें इतनी ज़्यादा बारिश होती है और इसी में बहुत ज़्यादा रश भी होता है। कितना ज़्यादा रश हो रहा है, देख सकते गॉड, इतना ज़्यादा रश यहाँ पर, तो हमारा जाने का भी दिल नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा रश में। ओ
मजे मजे। सुमन बना रही हूँ, रश देख सकते हैं गाइस आप लोग कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा। ओ माय गॉड, बच्चे उतर चुके इतने घेरे वाले पूल में ट्यूब ट्यूब लेकर। अब मैं भी चलती हूँ, मेरी वीडियो हो गई है कंप्लीट, अब मैं भी चलती हूँ। इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय। और मैं यहाँ पर सबकी वीडियोग्राफी करते करते थक गई, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कर करके थक गई। इब्राहिम मजा आ रहा है, दुखिया लगा लगा के इब्राहिम बस। हाँ यहाँ पे नुमान भाई भी डुबकियाँ लगा रहे हैं, सब डुबकियाँ लगाने में लगे हुए हैं। आ जाओ आ जाओ, छोटी बच्ची तो बहुत भारी लग रही है भाई, बहुत भारी लग रही है। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अरे मेरी बच्ची तो तुला अब यहाँ पर लंच टाइम स्टार्ट हो चुका है और पानी के जो सारे फुहार थे स्लाइडें सब बंद हो चुकी हैं, तो सब लोग अब लंच टाइम में अपने अपने हट में आ गए। अब लंच करेंगे, देन उसके बाद 2 बजे जो है ये सब खुल जाएगा वापस से, और फिर हम वापस से जाएंगे और स्लाइडिंग लेंगे, वैसे इंजॉय करेंगे। अब आपको अब लंच के बाद बॉयज का खुलेगा। हाँ तो हम जाएंगे स्विमिंग पूल में, दूसरे वाले में रेनबो स्लाइड में, तो चले चलते हैं अभी लंच करने के। चलो लंच में हम लोग क्या क्या लाए बताओ तो। हम लंच में बिरयानी लाए और स्पेगेटी लाए और क्या लाए और बर्गर बनाकर लाए थे और कोल्ड ड्रिंक्स है, कीमा है और बाकी आप सब लोग देख लीजिए और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ बच्चों वाले साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया था लंच टाइम के बाद ये बच्चों वाला पोर्शन ओपन कर देते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा बच्चे नज़र आएंगे या बच्चियों की अम्मियाँ नज़र आएंगे। और मैं भी छोटी सी एक बच्ची हूँ तो मैं भी इस पानी में उतर जाऊँगी। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े लोग भी हैं जो बच्चे के साथ आए हैं, और यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है ना, पे ना ही लड़के अलाउ हैं। और जो है ये बच्चों की स्लाइड्स वगैरह हैं, ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे बच्चों का है, 1 साल से ज़्यादा बड़े बच्चों का टिकट है यहाँ पर, तो सब ने यहाँ पर टिकट देकर अंदर आए। ये हमारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू है ना, ये सब टिकट देकर वापस आए। एक हमारा मुन्ना आया था 1.5 साल का, उसे भी पकड़ लिया, नो 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 टिकट टिकट टिकट। हमने बोला भाई अभी तो 1.5 साल का है, 2 साल से बच्चों का है यहाँ पर टिकट 1500, बड़ों का भी 1500, छोटों का भी 1500। तो आप देख सकते हैं बच्चों के भी फुल इंजॉयमेंट है, बच्चों का पूरा एरिया बना हुआ है, स्लाइडिंग है, सब कुछ है। ये देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये है कि दोपहर में खुलता है, ये लंच टाइम के बाद 2 बजे खुलता है ये पोर्शन। देखिए छोटे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं ऊपर से दिखा रही हूँ बच्चों का पोर्शन। आहिस्ता आहिस्ता भी यहाँ पे ओपन हुआ है, आप देखना कितना ज़्यादा रश लग जाएगा। यहाँ स्लाइड है, वहाँ स्लाइड्स है, गोल वाली स्लाइड्स हैं, और यहाँ तो भाई आंटियाँ भी स्लाइड ले रही हैं बच्चों वाली।
आंटियाँ भी खूब मज़े कर रही हैं, जिनको डर लगता है वो छोटी छोटी स्लाइड्स ले रहा है, तो देख सकते हैं फेक रेन हो रही है, देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है। ये भी बच्चों का एरिया है, छोटे छोटे सा बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और ये वाला एरिया भी काफ़ी मज़ेदार है, मुझे इस एरिया में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देख सकते हैं जगह जगह इतने अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, और वहाँ पे बाल्टियाँ गिरती हैं, कहीं कुछ गिरते हैं पानी भर भर के, हर जगह नहाए इंसान इंजॉय करे। देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितना इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इतना सा पानी है, बस इतना सा पानी। गली से यहाँ पे 1 साल से बड़े बच्चे का भी टिकट है, वो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी मस्ती बारिश हो रही है, पूल टाइप बनाए हुए हैं कि आप पार करके उस तरफ चले जाएं, उस तरफ चले जाएं। इस हट में भी पूरी बारिश है, मुझे तो बस इस बारिश में बहुत मज़ा आता है। देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू के साथ बनाया हुआ है, जगह जगह ये छतरियाँ हैं, बहुत मज़ा आता है इसके नीचे। और यहाँ पे पूल बनाया हुआ है, तो इस पूल से पार करके ना आए तो इधर पूल से चढ़ता हुआ आ जाए। ये देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू और बहुत प्यारा सा बना हुआ है, 1500 बहुत इंजॉयमेंट हो जाती है, सुबह 10 बजे ओपन होता है। कोचिंग बना रहे हैं बच्चों का जंगल बुक के नाम से, और यहाँ पर जो साइड 4-5 स्लाइड हैं बच्चों की, तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो स्लाइड लेने आ रहे हैं। सुभान अरियान देन, बस अभी ये टाइम हो गया, अभी जो सीटियाँ मार रहे हैं अंकल ये बोल रहे हैं बस जाओ जाओ जल्दी जल्दी समेटो, अब लोग फ्रेश होकर नहा धोकर, कुछ लोग ऐसे भी चले जाते हैं अब खा रहे हैं पी रहे हैं, और जो है बस जल्दी जल्दी वो हट खाली करा रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाली करें और सब अपने अपने घर के जाएँ। 5:30 बजे सब पानी वानी बंद हो जाता है, पूल से बाहर निकाल देते हैं, और 6:15 हो चुके हैं, अभी यहाँ से भी खाली कराएँगे, निकालते रहेंगे, इतनी सीटियाँ बजाएँगे कि आपके कान फट जाएँगे सर पे खड़े होकर, खाने भी नहीं देंगे, बस निकलें टाइम इट्स ओवर, मगरिब से पहले क्योंकि इनको भी बंद करना होता है। ये देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है बंद, अब फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी है, हमने गाड़ी बुक कर ली है, अब हम चलते हैं। आज की पिकनिक हमारी बस यहीं तक की थी, बहुत मज़ा आया, गार्ड हमारे पीछे सीटियाँ बजा बजा के थक गया कि निकल जाओ। देख सकते हैं हम कितने सारे हट खाली हो चुके हैं, और अब बस हम भी चलते हैं घर की तरफ, मगरिब होने वाली है, सब कुछ बंद हो गया, इनकी आवाज़ ही नहीं आनी बंद होती कोई, ओ ए ई ऊ चल रहा होता है। देख सकते हैं कितने सारे हटते, सब फैमिलीज जा चुकी हैं, हमारी भी गाड़ी रेडी हो गई, अब हम भी चले अपने घर की तरफ। स्लो आ रही है कि बच्चे चल चल के भी थक गए, कुछ घूमा इतना, कोई खंधों पर आ रहा है तो कोई किसी की गोद में आ रहा है, सब थक गए, कोई अब्बा को खींचते हुए ला रहे, गरीब बच्चे भी यहाँ पर बैठ गए थक हार के, कि सबके घर वाले आ जाएं तो चले फिर आ जाओ गरीब बच्चों आ जाओ, हो गया चलो भाग कर दौड़ लगाइए, जैसे इनको पता नहीं फेवरेट सीट मिल जाए, बस सबको अपनी अपनी ऐसे भागे सारे के सारे।